मैच है ना, लिबिरॉक्स टीम्स इंटरनेशनल फ्रेंडली लीग का मैच हो रहा है ऑस्ट्रेलिया वर्सेस जॉर्डन के बीच 3 घंटे 50 मिनट के बाद। तो बात करें, मेरा टेलीग्राम चैनल लिंक है नीचे डिस्क्रिप्शन में, जाओ फटाफट नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक पर करो क्लिक एंड ज्वाइन हो जाओ। और गाइज, हम इस वीडियो के अंदर किसी भी तरह की चीज़ को प्रोत्साहित नहीं कर रहे, ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा सेफ और नॉलेजेबल है। चलते हैं आगे, बात करें अगर हम इस मैच की दिन ऑस्ट्रेलिया और जॉर्डन में, जो टीम स्ट्रांग है वो है ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया टीम स्ट्रांग तो है, रैंकिंग में भी 40वें नंबर पर रैंकिंग में है 40-45, और ये टीम तो 80 से भी बाहर है। मतलब तो मेरे को ऐसा लगता है कि जॉर्डन एक आधा गोल तो कर सकती है, लेकिन जीत हासिल होनी चाहिए ऑस्ट्रेलिया को। सबसे पहले मैं बात करूं गोलकीपर की, याजिद अबू लेला को यहाँ पर मैं अपनी टीम में ले रहा हूँ। वैसे ठीक खेलता है, लेकिन अगर इसकी जगह एमएल कवामला खेलेगा तो ज़्यादा इफेक्टिव रहेगा, क्योंकि ये प्लेयर मेरे हिसाब से थोड़ा ज़्यादा इफेक्टिव है, मेरे को थोड़ा सही लगता है उससे भी। आगे से अगर बात करें, इनका एक मेन प्लेयर एच एस ओतर नहीं खेल रहा, इनका मेन डिफेंडर है ऑस्ट्रेलिया का, जिसका नाम भी नहीं है आज। तो मेरे को बहुत प्रॉब्लमेटिक मैच लग रहा है कि ऑस्ट्रेलिया का मेन डिफेंडर वॉज नॉट प्लेइंग। तो इन्होंने वापसी कराई है ट्रेंट सेंसबुरी और साथ ही साथ डेविडसन की। डेविडसन को लाया गया है उसकी जगह, जिस प्लेयर की मैं तारीफ कर रहा हूँ। सो डेविडसन आज कुछ अलग करने की कोशिश करेगा और सेकंड डिफेंडिंग में कुछ अलग ही कारनामा देखने को मिलेगा गाइस। तो आप एक्सपेक्ट कर सकते हो एक ज़बरदस्त गेम फ्रॉम जे डेविडसन, एंड सेंसबुरी है एक फर्स्ट डिफेंडर, सो सेंसबुरी से तो काफ़ी एक्सपेक्टेशन है ही। आगे से बात करें रॉवल्स की, काई रॉवल्स को आप अभी ले लीजिए, अगर इसकी जगह बहेज खेला या एटिंगसन खेला तो हम लास्ट में बदल लेंगे, तब तक के लिए यू हैव टू सेव रॉवल्स। और क्रेसिकी की बात करें, यहाँ पर है फ्रैंक क्रेसिक को भी अपनी टीम में ले लो, क्योंकि कई बार अनएक्सपेक्टेड असिस्ट वगैरह एंड थोड़े बहुत गोल्स देखने को मिले हैं इस प्लेयर द्वारा। आगे से बात करें अली अलवान की, तो यहाँ पर है अली अलवान को यहाँ पर मैं ले रहा हूँ। ही इज़ अ स्ट्राइकर, ये स्ट्राइकिंग करेगा, दिखने में मिडफील्डर ज़रूर है, सो अनएक्सपेक्टेड गोल होने की यहाँ पर संभावना है इस प्लेयर द्वारा, क्योंकि काफ़ी गोल्स करता है। एक्सपेक्ट तो है, अनएक्सपेक्टेड नहीं है भाई, एक्सपेक्ट है, उल्टा उम्मीद तो है, अगर गोल हुई तो शायद ही यही करने वाला हो। एंड बी अब्दुल की बात करें, यहाँ पर है बहा अब्दुल रहमान, तो एक ये तो चलो हमने ले लिया। ऊपर से ना यहां पे एक प्लेयर है नोर, अब नोर को हमने छोड़ा है, और नीचे से एक और मेन प्लेयर ऑस्ट्रेलिया का छोड़ा है डेनिस गेंद्रियो। अब डेनिस गेंद्रियो पे मुझे डाउट है तगड़ा, मैं आपको कुछ प्लेयर्स बता रहा हूं, गेंद्रियो होगा सबकी टीम में। अब मैं आता हूं की प्लेयर्स में, ये एक मैबिल हो गया, एक मुंह हो गया, एक हो गया यहां से मेरा फेवरेट स्ट्राइकर मार्को टीलियो, और इरवाइन को मैं नहीं ले रहा, इरवाइन सबकी टीम में होगा लेकिन आई डोंट लाइक इरवाइन, ने ढंग से नहीं खेलता। अब मैं आपको एक चीज बोलता हूं, नीचे से मैंने रॉजिक लिया, आपको पता है रॉजिक इंटरनेशनल में मिड फील्डिंग में सबसे ज़्यादा गोल्स कर चुका है पिछले सीज़न। चलो सीज़न की तो बात ही छोड़ दो आप यार, आप देखो कि अगर मैं 7-8 महीने पहले जब ये टीम फॉर्म्स में थी तो जिसके अंदर रॉजिक का रिकॉर्ड अलग था, इसने एक मैच में हैट्रिक भी कर रखी है, तो रॉजिक अगर खेला तो मैं कह रहा हूँ एक अलग गेम देखने को मिलेगी। तो मैं रॉजिक को छोड़ने नहीं वाला, टीम में मेरी रहेगा अगर खेला, बाई चांस नहीं खेला तो इसकी जगह आपने लेना है इस प्लेयर को जिसका नाम है मार्को टीलियो। मैं आपको पहले ही बोल रहा हूँ, इन दोनों में से अगर कोई एक खेला, यू हैव टू टेक दैट प्लेयर, बस। एंड आगे से बात करें जे मैकलैरन की, जेमी मैकलैरन और एम लैकी की अगर बात करें, तो मैथ्यू लैकी तो अगर खेला, लेकिन क्रेग गुडविन की वापसी एक अलग नज़र आ रही है। कहाँ ये डोमेस्टिक लेवल पे था, आज ये इंटरनेशनल लेवल पे मेन स्ट्राइकिंग का मेन अदा रोल अदा करेगा। सो अब देखते हैं कि लैकी को खिलवाते हैं कि क्रेग गुडविन को, ठीक है, बहुत बड़ा मैच होगा अगर यहाँ पे अगर वो खेलता है। और अभी तो एंडियो गेस्टिनो ड्यूक भी बचा है। एंड आगे से बात करें वायल नेमत की है, तब तक के लिए यजन अल नेमत को सेव कर लीजिए, बाकी टीम में चेंजेस काफ़ी होंगे, ये मत समझना ये फाइनल है, बहुत चेंज करूँगा मैं। आगे से बात करें, तब तक के लिए कैप्टन मेरा ऑलमोस्ट यही रहेगा मैकलैरन, वाइस कैप्टन में भी मैं खास बदलाव नहीं करने वाला, अगर मैं करूंगा तो जरूर से आपको स्ट्राइकिंग में ही करूंगा। अगर मेरा वाइस कैप्टन चेंज होगा तो समझ लेना या तो क्रेग गुडविन होगा या एम टीलियो होगा, ज्यादा नहीं। मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।